और वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा। इस साल चारधाम यात्रा देरी से शुरू हुई थी, सोमवार तक 46,66,415 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब सहित चारों धामों के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर कहा कि इस साल बरसात के सीजन में दिक्कत जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छी तरीके से चली। प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग एक से डेढ़ महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियाँ भी ना हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।